हुआ मेरा मन था, मिल ना रहा था सहारा, कि उनके जीवन के नाव लहरों से लड़खड़ा रही थी, लेकिन उनकी सारे परेशानियां दूर हो गई जब वो भगवान की शरण में आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शर्मा बंधुओं के पिता पंडित रामानंद शर्मा जी ही सूरज की गर्मी से मिल जाए तरोवर की छाया के लेखक हैं। विवेकानंद अपने भक्ति में ये भी शामिल करते हैं कि माँ तू रोग रूप में आ, माँ तू शोक रूप में आ, तू मृत्यु रूप में आ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को नॉलेज कॉरिडोर का स्वरूप देने वाले विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे एक भक्ति से जुड़े गीत की, जो नवनिर्मित राम मंदिर के गौरव को समर्पित है। साथ ही हम उस कवि को भी याद कर रहे हैं जिसने आज के गीत को लिखा है। देखा जाए तो गीतकारों को न केवल विभिन्न प्रकार की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना पड़ता है, बल्कि उन्हें फिल्म में कल्पना किए गए चरित्र और दृश्य की मांगों के अनुरूप अपने शब्दों को 3-4 मिनट के गीत में संकलित करने की भी आवश्यकता होती है। और इस सब के लिए जबरदस्त कौशल, अद्वितीय कल्पना और भाषा पर महारत की अपेक्षा भी होती है। हमारे फिल्म उद्योग को हर युग में कुछ शानदार कवियों और गीतकारों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन उनमें से सभी को समान स्तर की लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। बेहद प्रतिभाशाली होने के बावजूद कई गीतकार पृष्ठभूमि में ही बने रहे और उनके बारे में उतनी बार नहीं लिखा गया जितना कि वे उसके पात्र हैं। उनके द्वारा लिखे गए गीत हिट और सुपरहिट हो गए, लेकिन उनके नाम भुला दिए गए और समय बीतने के साथ उन्हें या हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में उनके योगदान को याद करने के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। आज के कवि और गीतकार की कहानी भी थोड़ी ऐसी ही है, जिनका लिखा एक ही भजन अमर हो गया। फिल्म थी परिणय, जिसके भजन की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। गीत के बोल हैं जैसे सूरज की गर्मी से मिल जाए तरोवर की छाया। 1974 में बनी इस फिल्म का निर्देशन कांतिलाल राठौड़ ने किया था। इनके साथ मुझे भी एक मारवाड़ी लैंग्वेज की चिल्ड्रन फिल्म बनाने का अवसर मिला था। नाम था डूंगर रो भेद, मगर वो कहानी फिर और कभी। आज के भजन के कंपोजर हैं जयदेव वर्मा। इस बेहद चर्चित भजन को लिखा है पंडित रामानंद शर्मा जी ने, जिनके विषय में मैंने और अधिक जानकारी लेने की काफ़ी कोशिश की और फिर थोड़ी सी सफलता भी मिली एक फ़ोन कॉल के बाद। कैसे मिली ये सफलता, ये बताऊंगा बाद में। आज के इस भजन को मधुर आवाज़ दी है शर्मा बंधुओं ने। ये चार भाई हैं शर्मा बंधु, जिनके नाम है पंडित गोपाल शर्मा, पंडित सुखदेव शर्मा, पंडित कौशलेंद्र शर्मा और पंडित राघवेंद्र शर्मा। शर्मा बंधु 1974 में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो अवार्ड मिला था परिणय के लिए, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया के इस गाने के बाद वे लोग प्रसिद्ध हुए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शर्मा बंधुओं के पिता पंडित रामानंद शर्मा जी ही सूरज की गर्मी से मिल जाए तरोवर की छाया के लेखक हैं, और इनके विषय में गूगल बाबा भी मूक हैं, ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो फिर मुझे इनके विषय में जानकारी कैसे मिली, इसकी चर्चा आज के गीत में छिपे अध्यात्म को ढूंढने के बाद करेंगे। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और सौज्ञा उपाध्याय। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम हिंदी फिल्मों के गीतों के पीछे छिपे अध्यात्म पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा गीत है जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। ये गीत मूवी परिणय से है, जो 1974 में रिलीज हुई थी। इसके गीतकार है रामानंद शर्मा और इसको गाया है शर्मा बंधुओं ने। और हमारा गीत शुरू करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो आज हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज का ये गीत। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया।
ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिला रहा था सहारा। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिला रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नावों को जैसे, मिला रहा हो किनारा, हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तनवर की छाया। देखा क्या कहते हैं, भटका हुआ मेरा मन था, मिल ना रहा था सहारा। कि उनके जीवन की नाव लहरों से लड़खड़ा रही थी, लेकिन उनकी सारे परेशानियां दूर हो गई जब वो भगवान की शरण में आए। जनरली जब हमें किसी कठिनाइयों से हम जब गुजरते हैं, तब हमारा फेथ, हमारी श्रद्धा पूरी चली जाती है भगवान पे। तो फिर हम इस कठिनाइयों के समय भगवान पे आस्था कैसे बनाए रखें? सौदन्या जी, आपने हमसे प्रश्न किया, कुछ इसी तरह का प्रश्न हमने स्वयं शर्मा बंधुओं से किया था, क्योंकि 1993 में झांसी में वे आए हुए थे और हम रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए उनका इंटरव्यू हमने किया। ये जो आपका नाम है राम दरबार गायक, ये भी एक उत्सुकता, एक कौतूहल उत्पन्न करता है कि यही नाम आपको क्यों मिला। पदों के अलावा कुछ भी आपने अपने गायन के लिए नहीं चुना, तो ये सारे विषय कौतूहल के हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। भक्ति पद तो निश्चय से हमने अपना जीवन का उद्देश्य रखा गायन का, लेकिन ऐसी बात तो नहीं कि हमने और प्रभु के स्वरूपों का गायन नहीं किया। कृष्ण भक्ति के भी हमने गीत गाए हैं, अन्य सभी संतों के गीत गाए हैं जिन्होंने और अपने अपने इष्ट रूपों की वंदना की है, लेकिन ये हमें परंपरा से मिला ये नाम। कारण इसका ऐसे था कि हमारे पूज्य पिताजी ने और चाचा जी ने जब ये राम कथा का गायन प्रारंभ किया, तो उसमें उन्होंने एक कल्पना ही की कि राम जी का दरबार सजा हुआ है और श्रोता जितने भी लोग हैं छोटे बड़े सब वो उनके प्रभु के दरबारी हैं और उनकी उपस्थिति में हम प्रभु का चरित्र गायन करते हैं। इसलिए हमें हमारे पिताजी से ही और उसके बाद हमारी इस पीढ़ी को भी राम दरबार गायक नाम मिल गया, ये उनकी प्रभु की कृपा है। तो इस तरह हमारी उनसे 1993 में भेंट हुई और हमने उनका इंटरव्यू किया, और ये पंडित रामानंद के बेटे हैं, और पंडित रामानंद वो जो पलुस्कर जी के शिष्य थे जिन्होंने लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो जैसा आपका प्रश्न है, तो इस प्रश्न में भी एक बात यह है कि शर्मा बंधु, उनके नाम के आगे लगता है राम दरबार गायक, लेकिन उनके मुख से शंकर की वंदना सुनना भी एक अद्भुत विलक्षण अनुभूति है, जिसमें वो कहते हैं कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध शांतस्थमेश्वरम। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण, श्रद्धा विश्वास के रूप भवानी शंकर जिनकी मैं आराधना करता हूँ, और उस आराधना से ही उन्हें वो सुख प्राप्त होता है। तो ये शर्मा बंधुओं को लेकर हमारे मन में एक बात थी जो हमने प्रश्न के उत्तर में आपसे कही है। पर आपने अभी तक मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया जी। कि जनरली जब हम किसी कठिनाइयों में होते हैं तब वी स्टॉप बिलीविंग इन गॉड, तो ऐसे समय पे हम अपनी आस्था कैसे बनाए रखें?
हम चूक यही करते हैं, हमसे भूल यही होती है कि जब हम कठिनाई में होते हैं तो आपने कहा कि हम ईश्वर पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। विवेकानंद की दृष्टि एकदम अलग थी। विवेकानंद अपने भक्ति में ये भी शामिल करते हैं कि माँ तू रोग रूप में आ, माँ तू शोक रूप में आ, तू मृत्यु रूप में आ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। और ये व्यक्ति का मन कैसे होगा, इसमें एक लाइन आई थी कि मिल जाए तरुवर की छाया, तो तरुवर ही क्यों, वृक्ष ही क्यों? तो रहीम कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संचति संपत्ति सुजान। तो तरुवर फल नहीं खाते, पेड़ अपने फल नहीं खाता, तालाब सरोवर अपना पानी नहीं पीता, और इसलिए रहीम कहते हैं कि पर के हित के लिए, दूसरे के हित के लिए संपत्ति संचय ही सुजान। अच्छे लोग जो है वो अपनी संपत्ति दूसरे के लिए संचित करते हैं और उसको बांटते हैं, ये भाव है। तो जब आप इस भाव से इस जीवन में जीते हैं तो आस्था भी बनी रहती है और कठिनाइयों में डगमगाने वाली जो बात आपने कही है वो भी नहीं होती। थैंक यू सुनील जी। तो अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी। पुजियाली पूनम की हो जाए राते, पुजियाली पूनम की हो जाए राते, ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। शीतल बने आग चंदन जैसी उजियाली, पूनम की हो जाए रातें, ज्योति अमावस्या की, इन पंक्तियों को आप और थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं? शीतल बने आग, इसके तो कई पौराणिक उदाहरण ही हमारे सामने हैं। होलिका आग में बैठी थी, होलिका जली, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहे। इसी तरह से कि जब उनको आग में रखा गया, तपाया गया, तब भी वे सुरक्षित रहे। तो जब राम की कृपा होती है तो किसी भी विपत्ति में हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि राम की कृपा ही है कि जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा कर ही सब कोई। माने जिस पर राम की कृपा होती है ना, उस पर सभी कृपालु हो जाते हैं, उस पर सभी दयालु हो जाते हैं। इसलिए जब आपने ये बात कही है कि हम कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं और किस तरह से हमको जो है वो अग्नि से शीतलता मिल जाती है, तो अग्नि से शीतलता इसकी राम का आरती है, रमते इति रामा, जो कण कण में व्याप्त है वो राम है, जो हम में बस रहा है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। लेखक इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि वो कभी भी नहीं डगमगाएंगे अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से? सो हाउ इज दैट पॉसिबल, क्योंकि कभी ना कभी तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। इसका जवाब, इसका उत्तर हमने आपको दिया कि भक्त की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए जी। वो श्रद्धा ही क्या जो डगमगा जाए, क्योंकि श्रद्धा के पास में तर्क नहीं चलता।
भक्ति के पास में तर्क नहीं चलता, बुद्धि भी नहीं चलती, वहाँ समर्पण चलता है। और इसीलिए वो तुलसी कहते हैं ना कि तुलसी बिरवा बाग के सीचत में मुरझाएं, तुलसी बिरवा बाग के, यानी बगीचे में जो पौधे लगे होते हैं उनको जब हम पानी देते हैं, सींचते हैं, तब भी वो मुरझा जाते हैं। और राम भरोसे जे रहें पर्वत पे हर्षाएं, यानी जो राम के भरोसे पर हैं, राम के प्रति जिनकी आस्था है, वे पर्वत पर आप देखते हो उनको कौन सींचने जाता है, लेकिन उस वक्त वो हरे रहते हैं और वो फूलते हैं। तो इसलिए आपकी आस्था गहरी होनी चाहिए जी। और अगर आस्था में संदेह है तो फिर ये कहना मुश्किल है कि आपकी फल प्राप्ति क्या होगी। थैंक यू सुनील जी। कहते हैं द स्मॉलेस्ट सीड ऑफ फेथ इज बेटर देन द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस, सो लेट्स ट्राई एंड ऑलवेज कीप आवर फेथ इवन इन द डार्केस्ट टाइम्स एंड ऑलवेज हैव होप। आपने सही कहा कि आस्था का छोटा सा बीज भी सबसे महत्वपूर्ण है जी। सो ऑन दैट नोट आज का ये चर्चा हम इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू सुनील जी, और आप सब भी देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक, पुनः स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के गीत के रचयिता हैं पंडित रामानंद शर्मा, जो कि शर्मा बंधुओं के पिता हैं। जब मैंने पंडित रामानंद शर्मा जी के विषय में जानकारी ढूंढने की कोशिश की या ढूंढ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये शर्मा बंधुओं के पिता ना हो। मगर कैसे करता अपनी इस आधी अधूरी जानकारी की पुष्टि, भला हो अब की बार गूगल बाबा का, जहाँ से मुझे पंडित सुखदेव शर्मा जी का फ़ोन नंबर मिला, जो शर्मा बंधुओं में से एक हैं। उन्होंने मेरी खोज की पुष्टि की कि जी हाँ, पंडित रामानंद शर्मा जी उनके ही पिता हैं। शर्मा बंधुओं का जन्म भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर में हिंदू उर्दू कवि और संस्कृत अनुवादक पंडित ज्योति प्रसाद के परिवार में पंडित मुंशी राम के पुत्र पंडित रामानंद जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामानंद हिंदुस्तानी संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कर के छात्र और अपने समय के लोकप्रिय गायक और रामचरितमानस के प्रतिपादक थे। पंडित रामानंद ने अपने छोटे भाई पंडित शिव कुमार के साथ तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि का गायन भी किया और 60 वर्षों तक श्री राम दरबार शैली के प्रतिपादक भी रहे। चारों भाई शर्मा बंधु पंडित गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, कौशलेन शर्मा और राघवेन शर्मा की जबरदस्त लोकप्रियता का श्रेय भारतीय शास्त्रीय और आधुनिक संगीत के बेहतरीन मिश्रण पर आधारित प्रस्तुति के लिए ही, उसके एकीकृत के लिए जाता है। उनके भजन और रामकथा गायन का सबसे अच्छा हिस्सा दिल को छूने वाली टिप्पणियों के साथ इसका मिश्रण है। वे अपने पिता स्वर्गीय पंडित रामानंद शर्मा जी से विरासत में मिली राम दरबार संगीत की समृद्ध परंपरा को अपने साथ लेकर आए हैं और आगे भी बढ़ाया है। शर्मा बंधुओं ने तुलसी, कबीर, सूर, मीरा और अन्य जैसे महान संत कवियों की रचनाओं के गायन के माध्यम से सार्वभौमिक प्रेम का संदेश फैलाने के लिए भारत के भीतर और भारत के बाहर व्यापक रूप से यात्रा भी की है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मॉरिशस, इंडोनेशिया और नेपाल आदि में प्रदर्शन भी किया। नेपाल में तो कई अवसरों पर वो नेपाल शाही परिवार के मेहमान भी रहे। उनके सबसे भरोसेमंद संगीतकारों में श्री धनंजय मोहन और स्वर्गीय बलराम शर्मा शामिल हैं। शर्मा बंधु 1975 से भारत के सार्वजनिक प्रसारक, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं और आज तक दूरदर्शन और प्रसारण पर सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से भी एक हैं। फिलहाल शर्मा ब्रदर्स उज्जैन में रह रहे हैं। पंडित सुखदेव शर्मा से हुई फोन पर मेरी बातचीत के दौरान मुझे ये भी पता चला कि उनके पिता पंडित रामानंद शर्मा ने सन 1940 में बनी फिल्म प्रेमनगर में बतौर हीरो काम किया था, मेन लीड। जी हाँ। जवाब नहीं दिया मालती? हमारी मर्जी। हमारी बातों में तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। अरे हम तो गुलाम हैं तुम्हारे। इंसिडेंटली फिल्म प्रेमनगर बतौर कंपोजर नौशाद जी की भी पहली फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक थे मोहन दयाराम भावनानी। पंडित रामानंद शर्मा का फिल्मी कैरियर लेकिन बहुत छोटा ही रहा। जैसे जैसे उनका रुझान अध्यात्म और भक्ति भावना की ओर बढ़ता गया, वे सिनेमा से दूर होते गए। पंडित रामानंद शर्मा एक कवि के अतिरिक्त म्यूजिक कंपोजर भी थे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का अधिकारी है,
1940 के दशक के मध्य में राजेंद्र कृष्ण हिंदी फिल्म उद्योग में पटकथा लेखक बनने के लिए बॉम्बे चले गए। क्या हम ऑलरेडी कलयुग में हैं कि कलयुग इतने सदियों से चलते जा रहा है? और ये जो बात है ना कि हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, आप मोती खा सकते हैं क्या? तो आज के गीतकार पंडित रामानंद शर्मा की इस जानकारी के साथ मैं भी देता हूँ अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।